अब चलते हैं 23rd ट्यूटोरियल पे। 23rd ट्यूटोरियल में क्या करना है, कॉपी पेस्ट हो करना ही करना जी, कॉपी पेस्ट से इजी हो जाता सारा काम। तो कॉपी पेस्ट कर लिया, और ये तो प्रोग्रामर का लॉजिक पक्का पक्का ही होता है कॉपी पेस्ट। चलो अब करते हैं एक न्यू चीज, और न्यू लॉजिक क्या है, अब एक चीज है क्लास। सो लेट्स से क्लास ले लिया, तो क्लास में कुछ सेटिंग कर देते हैं जो रोज ही कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं। तो मैंने एक क्लास बनाई और थोड़ी सी टाइम पास सेटिंग लगा ली। तो बिकॉज आई एम नॉट हैविंग डेव, तो डेव क्रिएट कर लेते हैं, सो दैट्स वर्किंग। तो ये डेव बन गई। अब डेव में मैंने क्या किया, कुछ लॉजिक एक्स्ट्रा यूज कर रहा हूँ, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ, इजी हो जाएगा। ये स्पेसिफिकली दिखाया कि इनसाइड डेव है, क्योंकि इसका ही तो लॉजिक है। अब क्लास में एलिमेंट को सेटिंग देनी हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट, तो ये कंटेंट चलाया, तो दैट इज डन। तो हमारे पास क्या, एक डेव है और एक हेडिंग टैग है एंड पैरा टैग लगा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास के अंदर अगर H1 टैग है, तो ध्यान से सुनो, क्लास के अंदर, तो दिस इज इनसाइड, अगर ये डिनोट कर रहा है इनसाइड लॉजिक, ये वाला ऑपरेटर ग्रेटर देन का। सो इफ द टेस्ट क्लास इज हैविंग H1 एलिमेंट देन इट विल बी ऑफ रेड कलर, तो ये रेड हो गया। बट अगर यही H1 टैग अगर बाहर हुआ तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रहता है, तो इसको और छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो वो H1 है, अब बाहर आउटसाइड डेव, तो ये देख लो क्या फर्क है। अगर डेव के अंदर है तो रेड कलर का है, अगर डेव के बाहर है तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक, जो डिफॉल्ट कलर है। तो एलिमेंट को हम सेटिंग दे सकते हैं, कैसे देनी है, अंदर का एलिमेंट। ऐसे ही अगर पैराग्राफ देनी है, टेस्ट क्लास के अंदर अगर एक पैराग्राफ है तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू। सेटिंग कोई भी लगा सकते हो, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए सेटिंग बताते हैं। तो दिस इज ऑफ ब्लू कलर, फॉन्ट साइज एक्स्ट्रा सेटिंग लगानी लगा लो, कोई चक्कर नहीं है, ये आपकी यूजेज के अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हो। तो दिस इज इट, ठीक है। और अगर आपने वैसे लॉजिकली H1 को सेटिंग देनी है, तो H1 को हम सेपरेट सेटिंग तो दे ही सकते हैं, जैसे मैंने इसको ग्रीन कर दिया। चलो ग्रीन तो विजिबल, तो ग्रीन कर लेते हैं, तो ये ग्रीनिश हो गया। या लाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा विजिबल हो जाएगा, तो दिस इज लाइन। इसका मतलब अगर H1 अगर हमने लगाया, कहीं भी लगाया, तो वो लाइम कलर का होगा, बट अगर वो टेस्ट क्लास के अंदर लगा हो तो वो किस कलर का होगा, रेड। ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनसाइडर एलिमेंट्स और आउटसाइडर एलिमेंट्स के साथ, ठीक है जी। दिस इज द एंड ऑफ ट्यूटोरियल।